हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम सब आ चुके हैं रेसिडेंट इवल 4 में अनदर चैप्टर में, जो कि थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ हम दरवाजा खोलते हैं। तो गाइस, हमने पिछली बार, आपने नहीं देखा होगा, हमने ट्रेडर से बात की थी, और ये रहा हमारा ट्रेडर, जो कि एक शैतान की तरह दिखता है। अगर आप खेले होंगे तो इसे जानते होंगे। तो ये हमसे बात करता है और हमें गन्स और उसको एनहेंसमेंट में हेल्प करता है, और इसे खरीदने में और बेचने में। तो यहाँ पे हम इससे बात कर लिए हैं और देखते हैं क्या ये बेच रहा है। तो गाइस, हमारे पास काफी कम पैसे हैं। रॉकेट लॉन्चर मिल रहा है, लेना चाहिए या नहीं, आप रिप्लाई कीजिए। तो हमने पहले एक केस लिया था और रॉकेट लॉन्चर केस नहीं ले सकते गाइस। तो गाइस, ये सब है, और हमारा ये क्रेट है जिसमें दो जड़ी बूटियां और शॉटगन और राइफल। तो राइफल को हमने आपको नहीं दिखाया था, तो आज हम राइफल लेके चलेंगे स्कोप के साथ। तो आगे हम बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने किल कर दिया था लोगों को पिछली बार में, हमने नहीं देख पाया था आप लोगों ने। काफी गेम बड़ा हो जाता है, तो हमने उसको थोड़ा सा काटा था। तो आप इसको देख सकते हैं कितना यहाँ पे गड्ढा है, काफी ज्यादा क्रीपी प्लेस है ये। तो हम चलते हैं गाइस, कोई मिलेगा रास्ता में तो हम उसे किल कर देंगे। और यहाँ पे हम कोई भी मिले तो उसका हम चुटकी बजाने से रुकेंगे नहीं। और यहाँ पे हम लोग को मेडेलिन मिल गया था, जो कि इस गेट में लगेगा, और हम इसे नहीं खोल पा रहे हैं। तो हम इसे जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया है, तो इसका यूज कर दिया हमने। और यहाँ पे फाटक द्वार खुलेगा, फाटक द्वार हमने खोल दिया बाहुबली वाला, और हम दूसरे फेज में आ चुके हैं। और यहाँ से हम देखते हैं क्या सीन है, और यहाँ पे हम स्नाइपिंग करेंगे फिर से, जैसे कि आपने देखा था बाकी सब गेम्स में, हमें स्नाइपिंग काफी पसंद है। ये एरिया काफी ज्यादा क्रीपी है गाइस, काफी डर लगता है रेजिडेंट इवल पार्ट्स खेलने में, पर हमें काफी मजा आता है। एक तरह से घोस्ट वाली वाइब भी दे ही देता है। एक यहाँ पे बैरल रखा है डार्क वाला, जिसमें से हमको कुछ सोने की अशरफियाँ मिल चुकी हैं। और यहाँ से फिर से हमें 1000 पैट्स मिला। और मुझे लगता है कि अमेरिका में डॉलर यूज होता है, शायद स्पेन स्पेन में, यानी कि साउथ अमेरिका में पैट्स यूज होता था, या पता नहीं क्या यूज होता है। अगर आपको पता है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे दो द्वार हमें मिल रहे हैं, एक ये द्वार, एक यहाँ बैरल रखा है। इस बैरल में क्या हम ले सकते हैं? तो शॉर्ट गन का हमें यहाँ पे कारतूस मिल चुका है, इसको एक लात मारा। और यहाँ देखिए, इसका हमने खोपड़िया उड़ा दिया है कनपुरिया स्टाइल में, काफी ज्यादा ये सब डरा देते हैं। इसमें और भी हैं सब, ये देखिए चाकू भी आ रहा है, इसका भी काम तमाम। हम यहाँ पे रंग तिरंजी इसमें फंसे, ये भी गया, थोड़ी देर हम इसका यूज करेंगे गाइस। यहाँ में आगे जाके काम आ सकता है, कोई विलेन से फाइट हो गई तो हमें एनहेंस भी करना पड़ेगा अपने गन को। इधर से हम कूद भी सकते हैं, पर हम इधर थोड़ा देखेंगे क्या है। ये आवाज आ रहा है, यानी कि कुछ मामला गर्म है, इसलिए 2 फुट के पिस्टल को लेके
आगे बढ़ेंगे, हम है मुबारक बचाना है, तो हमारा ही चुटकी बच जाएगा। ये हम वापस शायद से जा रहे हैं क्या, शायद से हम वापस आ गए गाइस। ये भाई जगह था, घूम फिर के हम वहीं आ गए। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है, हमें माफ़ कीजिएगा गाइस। और यहाँ से निकले थे एक टाइम मारते हुए, ओ ये देखिए बमबाजी होने लगी है। गाइस वो तीनों मर गए हमारे रक्त रंजिश में। ये देखिए हमारे लिए लोग मैश बनाए, मैश तो हमें अब शॉट गन इक्विप करना ही होगा, और इस मैश को हमें कोई है यहाँ पे जो पूरी तरह से मरा नहीं है और मर भी नहीं रहा गाइस। हमें लगता है इसको पीछे से आ तो नहीं रही रहा गाइस, इसका हम पपड़िया उड़ा देंगे। आधा चिंचा चिंचा भोसड़ी वाले हम भूल गए थे ट्रैप से, और आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा होगा और हमने लोड कर लिया है हमने शॉटगन मार, और एक साथ अभी भी बचा हो और हमें लगता है मर गया है। तो गाइस यहाँ की जो विंड चल रही है काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, इसको भी हमने डिफ्यूज कर दिया है। इस ट्रैप काफ़ी खतरनाक होता है, जानवरों के लिए होता है लेकिन ये हमारे लिए लोग लगा के रखे हैं। ये देखिए गाइस यहाँ केवल ट्रैप्स ही ट्रैप्स, गलती से हो जाएगा तो उसका फंस जाएगा और उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। और हमने यहाँ पे इसे भी डिफ्यूज कर दिया है, एक लास्ट बच रहा है उसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे चल के सारे शॉर्ट्स गन के शेल्स को ले लिया है, और यहाँ पे हमें कोई पिजड़ा मिला है, पिजड़े में हमें स्पिनल मिला है जो कि हमारे बेचने खरीदने में काम आएगी। छोटी वाली गंदूक को ही एमो ढूंढना है, निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है जड़ी बूटी के साथ खेलते रहना है। तो हमने दरवाजे को लात मारा और खोल दिया, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा तालाब मिला गाइस। इस तालाब में मछली भी हो सकती है जिससे कि हम अपना हेल्थ बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं मिला हमें, खाली हाथ। चलिए कुछ जड़ी बूटी मिल गई है, एक काम करते हैं हम तीनों जड़ी बूटियों को कंबाइन कर देते हैं, एक को रहने देते हैं, मान लीजिए कुछ विशेष परिस्थितियों में काम आ जाए। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं खंडहर में, और ये खंडहर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है मुझे। आयरी रारा ओहिंदो 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 भोसड़ी भोसड़ी वाले चिचा भोसड़ी के। हम यहाँ पे हमारा एमओ को इसने काफ़ी वेस्ट कर दिया, हमें पास से मारना चाहिए था। सीवेज में आ चुके हैं, एक तरह का सीवेज है गाइस इस सिटी का। यहाँ हमें रेवन दिख रहे हैं यानी काक,
काक बोले तो कौआ, ये सड़ा हुआ कुआं है, इस कुएं से हम लोग निकले थे और ये सड़ा हुआ कुआं है गाइस। और यहाँ पे हमें एक बक्सा मिला है, बक्से में से हमें एक पैसे मिले। यहाँ कुछ नहीं गाइस, तो हम इस रेवन को मारेंगे जिससे कि हमारे तो पिजड़ा एक ही बंद हुआ है। ये साइन है गाइस, इस साइन का मतलब है आप आगे ना जाएं, आगे जाते हैं तो मौत को आप गले लगाएंगे। कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं। तो गाइस हम चलते हैं आगे, और हमने एक बार खेला था इसे, काफी डेंजरस था। हम अपनी एमओ चेक कर लेते हैं, एमओ हमारे पास काफी कम है। चलिए देखते हैं गाइस हम कब तक इनका सामना कर पाएंगे। इसमें एसी है क्या गाइस? पुराने जमाने वाली नहीं, यहाँ कोई एसी उसी नहीं है। और यहाँ पे हमें एक और क्रिस्टल बॉल मिला है जो कि हमें घुमाते रहना है। और यहाँ से एक दरवाजा खुल चुका है जो लॉर्ड सैडलर का है गाइस। ये वही बंदा है जिससे हमारी आखिरी में फाइट होगी, इसको हमें किल करना चाहिए या नहीं आप कमेंट में कीजिए बात। और ये काफी है और इसकी हमें की मिल चुकी है गाइस। और ये देखिए लाइब्रेरी कितना वीआईपी है, आजकल ऐसी लाइब्रेरी देखने को केवल लाइब्रेरी में ही मिलती है, घर में तो किसी के है ही नहीं। यहाँ हमें कुछ नोट मिला है जिसको हम कभी और पढ़ेंगे। ये खिड़की है, इसमें से शायद ग्रेवयार्ड दिखता है, जो कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। पूरा गेम ही मुझे लगता है कब्रिस्तान है। यहाँ से हमें कुछ अशरफियाँ मिल चुकी हैं और भी कुछ मिल सकता है। यहाँ से हमें अपने हैंडगन के लिए कुछ कारतूस मिल गई है, हम लोड करते हैं इसे और भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और लियोन ने भी बोल दिया है ये इंग्लिश बुक्स हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खोल। और लियोन ने कुछ बातें सुन लिया है, आरपीडी कितना प्रीमियम लग रहा है गाइस। और पीछे से लॉर्ड सैडलर, और ये देखिए गाइस इसका फोटो लगा है, ये एक विलन है का, और इसने पकड़ लिया है। और कितना खतरनाक है गाइस, इससे हमारी मुलाकात पिछले वाले सीरीज में हुई थी जो सेकंड पार्ट था। एक आंख रेड एक आंख ग्रीन, और इसके खून आ चुके हैं गाइस, मर जाए लेकिन इसने छोड़ दिया। You carry the same blood as us, Scythians. Nevertheless, you're Leon is ghar mein chupke se ghus gaya tha. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. So guys, ye ek tarah ka insect hai, centipede type se. Jab isse fight hogi to aap dekhenge. तो गाइज हमने यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट का 3 कंप्लीट कर लिया है। तो हनीगन से हमारी बात हो रही है गाइज। Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway. There are more important things than solving riddles right now. You're right.
Hurry and find that church, Leon. तो हनीगर ने हमें बोला है कि एक चर्च को हमें फाउंड करना है और इसने ये भी बताया कि उसने हमें छोड़ दिया जो कि ये विलन है एक आंख रेड एक आंख ग्रीन और हम शायद से इस द्वार से आए थे यहाँ से हमें कुछ जड़ी बूटी मिल चुकी है और हमें नीचे जाना होगा देख के हम जाएंगे कुछ हमें अचानक से सरप्राइजेस दे देते हैं ये सब गाइस ये कुछ काफी वीआईपी है क्योंकि इसमें ये लोग एक तरह से इसको कब्जा किए हैं और यहाँ पे हमें एक चेक पॉइंट मिला है एक किचन है जिसमें से हमें एक मिला है अंडा अंडे को हम खाएंगे और 75वें दिन के चैलेंज को हम पूरा करेंगे यहाँ पे एक रखी है सीसी पे हम सीसी नहीं से वाइन कहेंगे और यहाँ से हम सेव करेंगे गाइस और लाल वाले ग्रेनेड को लेंगे यहाँ पे हमें एक वुल्फ की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे लियोन ने कह दिया कि ये सब मैं बाद में पढ़ूंगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब चीज के लिए जैसे हम सब इग्नोर करते हैं और रील्स देखते हैं दिन भर यहाँ पे फोटो भी है काफी ज्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया एक्सप्लोर करना जरूरी भी था एक दरवाजा इधर भी है और हमने इसका और ये देखिए छुपा है यहाँ ये पेशाब ये बाथरूम था गाइस और इस बाथरूम में सो रहा था और जिंदा बच गया है इस बार इसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे साला फंसाएगा हमें वे मतलब गाइस ये इजी था ना और हमने टॉयलेट में पेशाब कर रहा था फालतू में अपनी हेल्थ को भी हम लोगों ने कम कराया यहाँ से एक दरवाजा है यहाँ पे एक चेक पॉइंट मिलेगा हमें और चेक पॉइंट को हम सेव करेंगे और हमने 1/3 टाइप कर दिया है और आगे चलते हैं गाइस तो देखिए गाइस वही है बंदा वो इसके लिए हम कुछ ये इतना खतरनाक है ये देखिए पटक मारा यहाँ हम जड़ी बूटी सेव करेंगे और अपना इस बंदूक को हम लेंगे ये देखिए नीचे फेंका गया रिलोड करेंगे हम वो फिर से आने की कोशिश करेंगे भाई ये देखिए गाइस फिर से फेंका गया गाइस दोनों मरे अभी मारा नहीं गाइस फिर से आएगा चलाने शायद से मर गया है काफी ज्यादा डरावना अगर इसने हमें एक बार भी मार दिया होता तो हमारा ये जो सिर है सीधे अलग हो गया होता इसी के लिए गाइस ये हमें स्नाइपिंग राइफल मिला था और हमने यहां से
इसको भी कंप्लीट कर लिया। और गाइस इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और नेक्स्ट में मिलेंगे लियोन के साथ रथ चलाने के लिए। तो थैंक्स गाइस, और बाकी की सीरीज के लिए आप ऑल इन वन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहिए।